अस्सलाम वालेकुम बेटा, लॉसेस का ये पॉइंट तफसीली एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्सन के नॉर्मल बिजनेस के अंदर लॉस हो जाए तो दो किस्म का लॉस होता है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वजह से, एक डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल की वजह से। ये दोनों को अलग अलग किया गया है। तो हम क्या करते हैं कि बिजनेस के अमाउंट चार्जेबल से पहले बाकी सारे एक्सपेंस लेस कर लेते हैं सिवाय डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल के। तो अगर यहाँ पे लॉस आ जाए तो उसको बिजनेस लॉस कहा जाता है, और अगर उसके बाद डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल की एमर्टाइजेशन लेस करते हुए लॉस आ जाए तो फिर उसको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहते हैं। दोनों लॉसेस अलग अलग ट्रीटमेंट रखते हैं। जो बिजनेस लॉस है यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वजह से जो लॉस हुआ वो 6 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड होती है। और दूसरा, इनका ऑर्डर भी बताया गया है कि किस ऑर्डर में इनको डिडक्ट किया जाएगा। अगर करंट ईयर में हम अजम्पशन लेते हैं कि पिछले साल से हमारे पास 10 का बिजनेस लॉस आ रहा है और से 15 की अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे या अमाउंट चार्जेबल से करंट ईयर के ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए, फिर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस की, इंटेंजिबल माइनस किया, अब आ गया प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट से पहले हम लेस करेंगे लास्ट ईयर या पिछले साल से जो कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है। प्रेफरेंस बिजनेस लॉस को दी गई है क्योंकि वो 6 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है, इसके बाद लैप्स हो जाता है। अब इसके बाद हमने देखना है कि जो अमाउंट आया, यानी पहले करंट ईयर की कैलकुलेशन की, करंट ईयर के ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हुए, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल माइनस हुआ, जो अमाउंट हमें मिला इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस हुआ, अब जो बच गया इसको बैलेंस इनकम कहते हैं। अब ये बैलेंस इनकम किसी केस में पूरी अवेलेबल होती है, किसी केस में 50% अवेलेबल होती है फॉर डेप्रिसिएशन के लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है टैक्सेबल इनकम की अमाउंट क्या थी। ठीक है, अगर टैक्सेबल इनकम की अमाउंट 10 मिलियन से एक्सीडिंग थी तो उस सूरत में पूरा अमाउंट जो इनकम का है वो अवेलेबल नहीं होगा। दोबारा सुने कि जो हमने पहले क्या किया, इन करंट ईयर की इन कैलकुलेशंस की, उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस किया, उसके बाद क्या बचा, बैलेंस इनकम। ए बैलेंस इनकम किसी केस में पूरी अवेलेबल होगी कि ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इससे लेस की जाए, किसी केस में सिर्फ आधी अवेलेबल होगी। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि उस ईयर की हमारी टैक्सेबल इनकम क्या थी। अगर वो टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से एक्सीडिंग है तो सिर्फ 50% इनकम अवेलेबल है, और अगर वो हमारी इनकम 10 मिलियन से कम है तो सारी की सारी इनकम अवेलेबल है। अब हमने जो मिसाल ली उसमें हमारा 10 का ऑपरेटिंग लॉस था, वो हमने लेस कर लिया। 15 की जो डेप्रिसिएशन है वो किस अमाउंट से लेस होगी, उस बैलेंस इनकम पूरी की पूरी से लेस हो जाएगी या उस बैलेंस इनकम के 50% से लेस होगी, ये डिपेंड कर रहा है उस ईयर की इनकम पे। एक्सीडिंग अगर 10 बिलियन थी इनकम, टैक्सेबल इनकम, तो 50% इनकम अवेलेबल होगी फॉर लॉस और रिमेनिंग 50% पे टैक्स लग जाएगा। और अगर वो लेस देन 10 मिलियन इनकम थी तो सारी जितनी भी इनकम थी वो हम यूज़ करेंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करने में। अब इसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर किसी की इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा लॉस अपना सेट ऑफ कर ले और थोड़ा टैक्स भी दे, मगर अगर किसी की इनकम 10 मिलियन से कम है तो फिर उस पर टैक्स का बर्डन नहीं डाला गया, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन सारी की सारी या जितनी भी थी उसमें से सेट ऑफ करने की इजाज़त दे दी गई है। तो इस ऑर्डर से आपने जो है वो बिजनेस लॉसेस को, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को सेट ऑफ करना है।